नमस्कार दोस्तों, मैं नीता चौहान ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बनाऊंगी वाइट रसगुल्ले। तो इसको बनाने के लिए चाहिए 1 किलो मैंने दूध लिया है और ये थोड़ी सी मैदा लिया है, 2 नींबू का रस लिया है, ये पिस्ता लिए और चीनी लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं दूध उबालूंगी, 1 लिया है। देखिए दोस्तों दूध उबल गया है, अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। और चमचे से घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा रस डालते जाएंगे। देखिए कैसे हमारा दूध उबल रहा है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे नींबू का रस। नींबू डालेंगे, देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। देखिए धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो गया, इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से दूध बिल्कुल फट नहीं जाएगा, हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए दूध फट रहा है, ये देखिए दोस्तों कैसे दूध फट रहा है। हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल पानी अलग और छेना अलग ना हो जाए। अभी अच्छे से फटा नहीं है, अभी हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल छेना अलग नहीं हो जाएगा और पानी अलग नहीं हो जाएगा। इसको हम छानेंगे, और इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें जो हमने नींबू डाला था उसकी खुशबू ना रहे, नींबू की सारी खुशबू निकल जाए, इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के धोएंगे, और इसको हम निचोड़ेंगे। अब निचोड़ के हम इसको लटका देंगे जो कि इसका सारा पानी जो है निचड़ जाए, ठंडा हो जाए। टाइम हमारा 6 मिनट ठंडा हो रहा है, हम चाशनी बना लेंगे। ये हमने 1/2 कटोरी चीनी ली है और 1/2 कटोरी ही हम पानी डालेंगे। चाशनी बनने देंगे। देखिए अब हमने छेना लिया है, हम छेने को अब जो है हाथ से ऐसे ऐसे मैश करेंगे, जितना हम इसको हथेली से इसको प्रेस करेंगे उतना ही रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। तो हम इसको ऐसे करते रहेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, ऐसे ऐसे प्रेस करें। देखिए अब
थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। मैदा डाल के फिर हम हथेली से इसको मैश करेंगे। ऐसे ऐसे प्रेस करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे रसगुल्ले बनाएंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे करके बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके मैं सारे बना लूंगी। देखिए हमने सारे रसगुल्ले बना लिए हैं और अब हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल के 10 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे। ये सारे डाल देंगे और 10 मिनट पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। फिर दोस्तों, हमारे रसगुल्ले तैयार हैं, जिनको बड़े भी और बच्चे भी बहुत ही पसंद होके खाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।